सकते हैं आप, क्योंकि ये चाय पीने के साथ साथ आप इसे खा भी सकते हैं, क्रंची भी है। इसके साथ साथ अभी जो हम कप वेस्ट कर रहे थे वो चीज़ इसमें वेस्ट नहीं हो। कैसा है, क्या है रिव्यू? अच्छा लगा, और ये मुझे पहली बार यहाँ देखने को मिला है। हाँ बिल्कुल, टेस्ट वैसा आ रहा है, बढ़िया टेस्ट, बढ़िया। चाय, चाय वनीला विद चॉकलेट, बाकी इसमें चाय तो एकदम सेम होगा ना? हाँ चाय एकदम सेम होगा, इसमें बिल्कुल सेम होगा, हमारे टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। चॉकलेट है, ये वनीला है, इसमें कलर में डिफरेंट है, ये डार्क है, ये लाइट है। हे गाइस, आज हम फिर से पहुँच चुके हैं दुबई रिटर्न चाय वाले के काउंटर पर। आप देखें, और आप लोग सोच रहे होंगे कि कल ही तो यहाँ का हमने शूट किया था, लेकिन आज कुछ खास है, इन्होंने आज लॉन्च किया है चॉकलेट और वेनिला कप्स, जिसकी खासियत है कि आप पहले चाय पी लें और उस कप को आप खा जाएं। तो चलिए कुछ बातें करते हैं भैया से, कहाँ से ये आइडिया आया इन्हें। ये जो यूनिक सा चीज़ है, ये जो चाय पीने के बाद कप भी खाने का, मतलब मेन बिहारियों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। बिल्कुल बिल्कुल, पाई पाई का हिसाब एकदम इसमें है, चुपता हो जाएगा। ऑन रोड नहीं था ये चीज़, अगर आप कहीं भी, अगर आप टाउन में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ऑन रोड नहीं था ये। आप रोड पे इस चीज़ को आप, मतलब इस चीज़ का एंजॉय नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये चाय पीने के साथ साथ आप इसे खा भी सकते हैं, क्रंची भी है। इसके साथ साथ अभी जो हम कप वेस्ट कर रहे थे वो चीज़ इसमें वेस्ट नहीं होगा, कूड़ा कचरा नहीं होगा। हाँ, ये आप चाय पियेंगे और खा जाएंगे, कप का पता भी नहीं चलेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और पटना में तो ऑन रोड पहली बार है। और ये आइडिया जैसे आपको कहाँ से मिला? ये आइडिया मेरे को यूट्यूब से आया, मैं यूट्यूब पे मतलब सर्च कर रहा था, सर्च करते करते अचानक से, क्योंकि मेरा चाय से शुरू से बहुत मतलब प्रेम रहा है, तो मैं चाय से रिलेटेड हमेशा सर्च करता रहता हूँ। तो उस समय मैं सर्च किया तो ये चीज़ अचानक मेरे सामने आया, और मैं उस चीज़ को माइंड में लेके मैं बोला कि कुछ तो यूनिक करना है, कुछ नया करना है। तो फिर मैं इस चीज़ को ऑर्डर किया, और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं दिल्ली जाने के लिए मैं स्टेशन पे जा चुका था, और वहाँ पे जाने के बाद एक मैं अपने मतलब ऐसे ट्राई कर रहा था, अपने फ्रेंड को कॉल कर रहा था, फ्रेंड बोला कि आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं भेजता हूँ ना। तो फिर वो मेरे को वहाँ से पार्सल किए, महाराष्ट्र मुंबई गया, मुंबई से फिर हमारे पास पटना में आया, आज ही मेरे पास 11 बजे आया, और मैं आज ही इस चीज़ को मार्केट में लेके आया हूँ। इसका क्या कॉस्टिंग पड़ता है? इसका कॉस्टिंग देखिए, अगर आप अगर देखें तो सारा चीज़ मिला के 15 से 16 रुपये आता है, ठीक है, और अगर आप ट्रैवल ये सारा चीज़ जोड़ते हैं 20 रुपीज़ टोटल आएगा, जो कि मतलब हम सेल कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल प्राइस इसका मार्केट में, हाँ जी, और सब जगह 30-40 रुपये तो नॉर्मल। हाँ बिल्कुल, देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मेरा चाय, आपने जैसा पहले भी सुना है कि मेरा चाय जो 5 से 10 रुपए का है, इसके साथ ही जब मैं अगर ऑन रोड रोड पे ही कर रहा हूँ तो मेरा प्राइस भी कम होना चाहिए। तो इसलिए मैं सिर्फ वनीला फ्लेवर 20 का दे रहा हूँ और चॉकलेट फ्लेवर 25 का। और जैसे नॉर्मल चाय में आपका जो ऑफर है, क्या इसके साथ भी नहीं, कुछ नहीं, है क्या? ये देखिए, इसके साथ ऑफर ऑलरेडी रहेगा, जो उसके साथ रहेगा ये ऑलरेडी इसके साथ रहेगा, 6 कप पे 1 कप चाय फ्री। ये देखें, कुछ ऐसे दिखते हैं इनके ये स्पेशल कप्स। ये कौन सा फ्लेवर है? ये वनीला फ्लेवर है, बिल्कुल लाइट वेटेड एंड कुल्हड़ के फॉर्म में ये कप्स हैं, वनीला विद चॉकलेट। ओके, दोनों को मजा एक में है ना। आप देख रहे हैं, हमने भी इनके चाय का लुक वनीला कप में उठाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे हम चॉकलेट कप को भी ट्राई करेंगे, तो वीडियो को भी कंप्लीट देखें। कप में चाय समाप्त हो चुकी है, अब कप को खा के देखते हैं। ये बिस्किट टाइप का है, लेकिन हार्ड कुल्हड़ की तरह है, क्रंची है ना। ऐसा नहीं कि लाइट है, हार्ड है। ये जो आप टेस्ट कर रहे भैया, शायद वनीला है, आप तो आधा कप मतलब आधा से ज़्यादा खा चुके कप, कैसा है, क्या है रिव्यू? अच्छा लगा, और ये मुझे पहली बार यहाँ देखने को मिला है।
मैं अभी मुजफ्फरपुर से पटना आया था तो मुझे ये ऑफर मिला। मतलब ये कूलर को रिप्लेस कर सकता है ये चीज़? ये बहुत ही नया यूनिक है जो कि आप पीने के बाद आप खा लेंगे तो इसका वेस्टेज कुछ नहीं रहेगा। नहीं मतलब यूनिक सा चीज़ है कि पटना तो छोड़िए, ये बिहार में फर्स्ट है इंडिया में हार्डली ये 6-7 जगह अवेलेबल होंगे और उसके बाद पटना में, तो ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, इंजॉय कीजिए भैया। अच्छा भैया, ये नया सा जो कॉन्सेप्ट लिए हैं, जैसे नॉर्मल चाय बनता है, नॉर्मल ही चाय होता है? नॉर्मल चाय हमारा तो नॉर्मल ही है, क्योंकि एक्चुअली हमारा नहीं, मतलब कुछ इसमें स्पेशल चाय भी हो? कुछ बिल्कुल स्पेशल चाय, क्योंकि हम स्पेशल ही बनाते हैं, हमारे स्टॉल पे स्पेशल चाय ही मिलता है, आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, सब आपको स्पेशल मिलेगा, चाय मसाला उसके बाद कॉफ़ी चॉकलेट वो सारा चीज़ इसमें मिक्स होगा, आप एक चाय के साथ सारा मज़ा ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इधर हमारा चाय तैयार हो रहा है और बिल्कुल नॉर्मल सी चाय है, आप देखें एकदम इसी नॉर्मल से चाय को उस स्पेशल कप में डाला जाता है। चॉकलेट है, ये वनीला है, इसमें कलर में डिफरेंट है, ये डार्क है, ये लाइट है। ओके, ये डिफरेंस है चॉकलेट और वनीला का। बाकी इसमें चाय तो एकदम सेम होगा ना? हाँ, चाय एकदम सेम होगा, इसमें बिल्कुल सेम होगा, हमारे टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। चेंजिंग होगा, जो आप जितना सिप आप लेंगे ना चाय का, आपको महक जो है ना ये वनीला का आएगा। अगर आप चॉकलेट अगर चाय अगर आप पीते हैं तो आप जितना सिप भी लेंगे वो चॉकलेट का ही फ्लेवर आएगा। ओके, दोनों का अलग अलग सिप लेने पर अलग अलग फ्लेवर? हाँ, अलग अलग फ्लेवर लेने पर अलग अलग। चलिए तो आप, हम भी अपने लिए एक चॉकलेट के कप में चाय लगवाते हैं, क्योंकि वेनिला तो हमने टेस्ट कर लिया, अब चॉकलेट की बारी है। आप देखें दुबई रिटर्न चाय वाला, तो अपने लिए अब एक चॉकलेट की कप लगवाते हैं और आपको चॉकलेट वाला रिव्यू करके दिखाते हैं। ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर लगने जा रहा है, आप देखें ये स्पेशल कप और उसमें ये नॉर्मल सी चाय, बहुत ही लाजवाब वेनिला लगी। अब चॉकलेट देखते हैं, चाय अगर खराब भी इसमें डाल दो तो बढ़िया टेस्ट चॉकलेट का ही आएगा, वनीला अगर आप पीते तो वनीला का टेस्ट आएगा। हमारी चॉकलेट कप में चाय रेडी हो चुकी है और ये देखें सर्व करने का तरीका, और बहुत ही लाजवाब, ये देखें एकदम कुल्हड़ वाली कप लग रही है, लेकिन ये एक तरीके का बिस्किट है जिसका अब हम लुत्फ़ उठा रहे हैं एकदम। अब देखें रोड पर बैठ के पहले चाय का कस लेते हैं, चाय का फिल लेते हैं, और चाय भी इनकी लाजवाब होती है क्योंकि इनकी मसाला वाली स्पेशल चाय होती है जो कि बहुत ही चीप रेट पे ये पटना में सर्व कर रहे हैं, और साथ में स्पेशल कप जिसे हम खा भी सकते हैं चाय पीने के बाद, हम इस कप को खाएंगे और बहुत ही करंची होती है, आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बहुत ही लाजवाब फ्लेवर निकल के आया, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं दुबई रिटर्न चाय वाले के काउंटर पे, इसके पूरी पार्क के पास पटना में।